Assalamualaikum friends, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहनें बहुत अच्छी होंगी और अपने घरों में खुश और आबाद होंगी. और मेरी दुआ आप सब के लिए, आप सब की जिंदगियों को खुशियों से भर दे और अपने घरों में खुश और आबाद रखें. आमीन सुम आमीन. आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने बेबी की थोड़ी सी गर्मियों की शॉपिंग. तो शॉपिंग तो पता साथ साथ चलती ही रहती है. कभी दो ले लिए, कभी चार ले लिए कपड़े, मतलब ड्रेसेस. तो बच्चों के तो जितने भी हों उतने ही कम होते हैं. सो छोटी सी मेरी शॉपिंग है बच्चों की, मतलब मेरे बच्चे के गर्मियों के कपड़ों की. और हसन की तरह मौसम चेंज हो गया था तो वो कपड़े तरह मोटे हो गए थे, तो मुझे कुछ जो है थोड़ा सा उससे पतला स्टफ़ चाहिए था. सो मैं जब वो गई थी, सबसे पहले मैंने शॉपिंग की है. ये सारे आपको ब्रांड जो नज़र आ रही हैं, किड्स एंड केयर है, मामा केयर है, मदर केयर हाँ. और ये सारी वो शॉप्स हैं. तो खैर, सबसे पहले जो मैंने एक ड्रेस लिया था वो है ये शर्ट, और साथ में है ट्राउज़र है, शॉर्ट्स टाइप है. ये देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था इसका ना, इसका स्टफ इतना ज़्यादा अच्छा है ना, मतलब इतना सॉफ्ट है. और कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं मुझे ये मिला था. मुझे ये 890 रुपीज़ का ये ड्रेस मिला है, 890 रुपये का, मतलब 900 कर लें आप तो बहुत अच्छा है. और सबसे बड़ी बात है कि इसका कलर बड़ा अच्छा है गर्मी के हिसाब से ना, पर्पल सा, लाइट पर्पल सा कलर, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था. खैर, मैंने ये ले लिया था. और उसके बाद जनाब मैं दिखाने जा रही हूँ आपको हसन का ये मारियो ही है ना, हाँ वही है. उस दिन हम हसन के लिए जो टॉयज़ लेने गए थे ना, तो वहाँ से मैं ये वाला लेकर आई थी, शायद आप लोगों ने उस व्लॉग में देखा भी होगा. तो ये लिया था, जिसको ये शॉप पे तो बड़ा खुश हो रहा था, घर पे आके इसने इसको इतना पसंद नहीं किया था, पता नहीं क्यों. एक तो बच्चों की समझ भी नहीं ना आती है, वैसे दिल चाहता है बच्चों के ना कमरा खिलौनों से भर दे ना, ऐसे दिल करता है ना. और जब भी कोई खिलौना लेके आए ना, तो बच्चे ज़्यादा तो एक्साइटेड मैं होती हूँ, क्योंकि जब सिस्टर यहाँ पर थी ना तो भी ऐसे ही था. जब वो खिलौने लेकर आती तो मैं बहुत एक्साइटेड होती थी उनको अनपैक करने के लिए. खैर, उसके बाद जो वो ये एक हुडी है, स्लीवलेस है, और ये मुझे मिली थी 790 समथिंग, इतनी थी. और ये मैंने ली थी बेबी केयर से, शायद हाँ बेबी केयर से ली थी. इस पर 20% ऑफ था, और ऑफ से पहले ये 900 समथिंग की थी, और ऑफ के बाद मुझे 600 समथिंग की मिल गई थी. और अच्छा, बहुत अच्छा स्टफ़ है इसका भी. इसके लिए मैंने एक पतला सा जो वो कोई भी शर्ट पहना के तो साथ में उसको पहना लिया. अच्छा जी, उसके बाद मैंने यूनिफॉर्म ले लिया. यूनिफॉर्म लग रहा है ना आपको, पता नहीं क्यों मुझे क्यूट लगा था, लेकिन नीतीक को ये ज़्यादा पसंद नहीं आया. उन्होंने कहा रेड और ग्रे का क्या कॉम्बिनेशन होता है, मुझे नहीं पसंद आया. लेकिन इसका ना स्टफ़ बड़ा अच्छा था, लाइट सा स्टफ़ है, ऐसे कॉटन टाइप ना, जो इसके आजकल के मौसम के हिसाब से बड़ा अच्छा लगता है. खैर, अब ले लिया, अब मैं क्या कर सकती थी. मैंने कहा तीक कोई बात नहीं यार, अब आपको नहीं पसंद आया तो क्या कर सकती हूँ. खैर, यूनिफॉर्म था एक, मैंने उसका ले लिया. इसका यूनिफॉर्म अक्सर यूनिफॉर्म इस तरह के होते हैं ना, तो खैर एक ये लिया था मैंने. और उसके बाद जो थोड़े से अगर टॉयज़ की तरफ आ जाए, तो ये ना एक ऐसे फ़ैन सा बना हुआ है, और इसमें मतलब बैटरीज़ वगैरह नहीं चलती हैं, लेकिन ना ऐसे ही है कि इसको आप प्रेस करें तो ये ना पंखा घूमता है. तो ये ना बड़ा अच्छा सा मुझे लगा था. मैंने एक्चुअली ना ये गाड़ी में रखने के लिए लिया था, क्योंकि इंसान अक्सर गाड़ी में बहुत ज़्यादा तंग कर रहा होता है समटाइम, जब हम कहीं खड़े होते हैं कुछ इस तरह से ना. तो दो तीन टॉयज़ इसके मैं गाड़ी में हमेशा से रखती हूँ, ताकि मैं इसको जो है ना ध्यान बटा लूँ इसका. तो ये मुझे अच्छा लगा था. खैर, ये मैंने 170 रुपीज़ का ये ले लिया था. और उसके बाद जो वो ये मैंने मदर केयर से लिए थे, उसके बाद मैं आपको कितनी मज़ेदार सी चीज़ दिखाती हूँ ना. ये देखें, इधर ट्रीदर प्लस टूथब्रश है बेबीज़ के लिए ना. हसन के माशाल्लाह से दो दांत आ गए हैं, और मैं वैसे भी चाह रही थी टूथब्रश लेना, तो ठीक कहते ये क्या बात हुई, अभी तो उसके सिर्फ दो दांत आए हैं, तुम इसके टूथब्रश लेने की बात करती हो. मैंने कहा यार आपको क्या पता, आपने कभी साफ़ किए हो तो. खैर, ये देखिए बनाना शेप में बना हुआ है, टीदर प्लस टूथब्रश है, और इतनी मज़ेदार चीज़ है ना, यकीन करें. आपको पता है मुझे ना इंस्टाग्राम के पेज से 500 समथिंग का मिल रहा था, और यहाँ पर ना मैंने ये 270 रुपीज़ का लिया है. यकीन करें, मैं बहुत मज़ा आया मुझे देख के यार, थैंक यू. मुझे यहाँ पर मिल गया. इसका जो ना वो केस है, इसका बॉक्स क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं. खैर, इसकी प्राइस ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ना, 270 भी नहीं, 250 रुपीज़ में मिला. देखें ज़रा कितनी मज़ेदार सी चीज़ है ना. तो उसके बाद जो ना ये ब्लॉक्स लिए थे मैंने,
अच्छा ये ना 280 रुपीज़ की, इसकी ना क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। आपको पता है ब्लॉग्स के साथ अभी तो आसान खेल भी नहीं सकता, ये छोटा है ज़रा, जब 2-3 साल के बच्चे हो जाते हैं तब वो ब्लॉग्स के साथ खेल सकते हैं। तो मैंने असल में इस वजह से लिया था कि ना ये कलरफुल से होंगे ना, तो ये कलरफुल चीज़ों को देख के बड़ा खुश होता है। तो मैंने कहा चलो और कुछ नहीं तो ये इनके साथ बैठ के खेलता रहेगा, और वाकई में बड़ा खुश होता है जब भी ये मैं खोल के रखती थी ना ये सारी बास्केट इसके सामने, तो बड़ा खुश होता है। और क्वालिटी वाइज इतने अच्छे नहीं है, लेकिन 280 रुपीज़ में इतने ही आते हैं ना ज़ाहिर है, तो मैं समझती हूँ कि ये ठीक थे। तो खैर ये थे, और ये देखिए इसके ऊपर ये मुझे बड़ी मज़े की चीज़ लगी थी, बच्चों को टाइम से खाना हो ना, छोटा है ना अभी, जैसे जैसे बड़ा होगा उसके बाद। खैर इसमें एक ये शर्ट भी थी जो मुझे दिखाना याद नहीं, अंबर, अंबर की शर्ट है। मैं देख सकती थी शायद हो सकती है जिससे इसकी शादी हो उसका नाम अंबर हो, इसलिए बाय चांस ये वाली शर्ट जो वो इससे पहनाई जा रही है। कहते हैं सबर करो यार तुम भी ना क्या। अच्छा यहाँ पे आपको ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, और ना सुबह सुबह मैं आपको ना नोट दिखाने लाई हूँ कि आज मैंने गाड़ी पे क्या नोट लिखा है, क्योंकि ये दिल का मामला है पता नहीं क्यों एवी। अच्छा ये मैं आपको दिखा रही थी कि ना मैंने गाड़ी में यहाँ पर जो ना ये इसका खिलौना रख दिया है, हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ रखा होता है मैंने इसके लिए, जब भी ज़्यादा तंग करता है ना मुझे फिर मैं इसको निकाल के ना तो ये मैं दे देती हूँ ताकि इसका जो ध्यान है वो इधर उधर हो जाए। और यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, अभी से मैंने कहा था कि ना मुझे ग्राइप वाटर ला दें हसान के लिए, सो वो अंदर गए हैं ग्राइप वाटर लेने। और ये देखिए जी ये वुड वर्ड का ग्राइप वाटर जो को बहुत अच्छा है, इससे पहले मैंने ग्राइप अच्छा जी ये मैंने ऑर्डर किया था इंस्टाग्राम के एक पेज से, एकदम से हमने स्विच कर लिया है, ये है घर में स्प्रिंग स्माइली फेस गाड़ी में लगाने के लिए मैंने ऑर्डर किए थे, ये देखिए 6 पीसेस हैं ये। और कल जब इनको हम ये देखेंगे आसान साहब जो है वो आ रहे खुशी से, बेटा आपका सर लग जाएगा इधर, खुशी चेक करें जरा बेटा, अरे गिर जाओगे बेटा, अपने आप को क्या हुआ, सुबह कर लेना थी बेटा हसान, आपने सारे ही तोड़ देने, गाड़ी भी तो लगाने के काबिल छोड़ दो प्लीज। नहीं बेटा ठीक है, इसको सीधा करना जरा, ये इसका साथ लगेगा बेड पे, इसको इधर दूर कर दो जरा, ये जी गुस्से से तंग आके वापस रख दिए, देख लें कल जब गाड़ी में लगाएंगे ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे ये 6 पीसेस मिले हैं 650 रुपीज में, जो कि 100 ऑर्डर करने के बाद ₹8 का पड़ता है। हाँ ऑर्डर करने के बाद मुझे जो है वो ये पता चला था कि ये 80 रुपीज में मुझे यहाँ मिल रहे थे, लेकिन तब मुझे जो है ना वो विदाउट बार्गेनिंग। चले खैर कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई लव ऑल। तो जनाब अभी हम इस वक्त गाड़ी में जो है वो ये चिस्पा कर रहे हैं ये इमोजीज। अच्छा मुझे ना वैसे ही पता नहीं क्यों अट्रैक्ट किए थे ये, तो मैंने सोचा कि चलें कोई नहीं मैं ना इसको ऑर्डर कर देती हूँ। मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से ऑर्डर किए थे और मुझे 650 में ये डिलीवरी चार्जेस मिलाकर मिले हैं। बाद में जब मैंने जहाँ से हसान के टॉयस लिए ना वहीं पर देखा तो वहाँ पर 80 रुपीज़ का ईच मिल रहा था। खैर अब मैं ले चुकी थी, ऑर्डर कर चुकी थी, तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। तो खैर ये क्यूट लगते हैं ना, वैसे वही बात दोबारा आ जाती है कि ज़्यादातर मैंने हसान के लिए लगाया कि वो ना उस ध्यान में रहेगा, उसका ध्यान जो है ना वो बटा रहेगा और ज़्यादा तंग नहीं करेगा। और वाकई में ना इसके लगाने से ये बड़ा खुश हो रहा था, जब भी गाड़ी स्टार्ट होती है ना तो स्प्रिंग लगा हुआ है तो वो ऐसे लगता है जैसे वो कोई स्माइल कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं इमोजीज, तो अच्छा लगता है। तो खैर उसके बाद जनाब क्या कह रही थी मैं, बात भूल गई। अच्छा हाँ कल मैं ऑनलाइन आई थी और लाइव स्ट्रीम पे आप सब से बात हुई थी, बहुत अच्छा लगा था, और आप सब के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और इसी तरह से साथ साथ रहिएगा। खैर आज का बस वीडियो मेरा है यहीं तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलती हूँ। और प्लीज़ स्टॉप रुकिए, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करते जाइए। और ये देखिए जनाब मेरा टिंडू बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि जी इमोजीज लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था इसको देख देख कर ना। तो
तो जनाब आज का वीडियो मेरा यहीं तक था. आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. आप सबके प्यार के लिए और आप सबकी दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा. अल्लाह ताला आप सबको भी बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें. बे औलाद जोड़ों को जल्दी से औलाद की नेमत से नवाज दें. आमीन.